नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे काला जीरा का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं और अन्य 6 बीमारियों को भी दूर कर सकेंगे। नहीं है बीमारियां तो भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि एक तरीके से ये वीडियो मोटापा को कम करने से लेकर के अन्य 6 बीमारियों को भी रोकने के संबंध में है। लेकिन उपयोग जो होने वाला है वो इसमें होगा काले जीरे का, यानी कि एक तरीके से काले जीरे के फायदे भी हम आपको बताएंगे, किस मात्रा में कैसे कब इस्तेमाल करना है ये भी बताएंगे। और ये इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है कि काला जीरा कैसे कब कितना सेवन करना चाहिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए, वो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। तो हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों में सबसे महत्वपूर्ण मसाले में से एक है काले जीरे। जी हाँ, काले जीरे को आप अक्सर घर में देखते होंगे। इसमें अनेक औषधीय गुण भी होते हैं जो इसके महत्व को और बढ़ा देते हैं। इसके ऐसे ही अनेक औषधीय गुणों के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों में जीरा प्रमुख क्यों है, प्रमुखता से शामिल क्यों है, जो घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जीरा का ही एक रूप होता है, लेकिन ये स्वाद में थोड़ी कड़वाहट लिए हुए होता है और सदियों से हर्बल औषधि के रूप में छोटी मोटी बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। तो आइए जानते हैं इसके अलग अलग बीमारियों में उपयोग के संबंध में। सबसे पहले तो वजन को कम करने के लिए कैसे उपयोग करेंगे। 3 महीने तक काले जीरे के अगर आप नियमित सेवन करने लग जाते हैं तो इससे शरीर में जमा हुआ फैट अवश्य ही बर्न होने लगेगा, घटने लगेगा, वजन कम होने में मदद मिल जाएगी। काला जीरा फैट को गला करके अपशिष्ट पदार्थों यानी कि मल मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। इस तरह से ये आपको चुस्त दुरुस्त बनाने में सहायक साबित होता है। इसमें मौजूद मूत्रवर्धक प्रभाव की वजह से भी इसका नियमित सेवन वजन कम करने में सहायक साबित होता है। तो इसलिए इसका सेवन कीजिए। किस मात्रा में करना है वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे। ये इम्यूनिटी के विकार को दूर करता है। जी हाँ, ये हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सेल्स को स्वस्थ सेल्स में बदल करके ऑटो इम्यून विकारों को दूर करने में सहायक होता है। काला जीरा हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्य करता है। बोन मैरो नेचुरल इंटरफेरॉन और रोग प्रतिरोधक सेल्स की मदद से करता है ये इम्यून को बढ़ाने का काम। यह थकान और कमजोरी दूर करता है, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और उसे मजबूत बनाता है, यानी कि हमारी बॉडी स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा ये पेट की तकलीफों को दूर करता है। अपने एंटी माइक्रोबियल गुणों के कारण काला जीरा पेट से संबंधित कई समस्याओं में बहुत लाभकारी है। पाचन संबंधी गड़बड़ी, गैस्ट्रिक, पेट फूलना, पेट दर्द, दस्त, पेट में कीड़े होना, इन सभी समस्याओं में ये काफी उपयोगी औषधि के रूप में कार्य करता है। देर से पचने वाला खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा काला जीरा खा लेना चाहिए। तुरंत खाइएगा, तुरंत लाभ मिलेगा। ये कब्ज को दूर करके पाचन क्रिया को सुचारू बना देता है। सर्दी जुकाम में भी फायदेमंद है। जी हाँ, जुकाम, कफ, नाक बंद होने या फिर श्वास नली में तकलीफ होने जैसी जब समस्या हो, आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो, तो काले जीरे का सेवन आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। ये आपके शरीर से बलगम निकालने में मदद करता है। कफ से बंद नाक के लिए काला जीरा इनहेलर का कार्य भी करता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा रुमाल में बांध करके सूंघने से आराम मिलता है। अस्थमा, काली खांसी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी से होने वाली सांस की बीमारियों में भी ये काफी फायदेमंद होता है। स्वाइन फ्लू और वायरल जैसे बुखार के इलाज में भी काले जीरे का सेवन काफी लाभकारी रहता है। इसके अलावा सिर दर्द या दांत दर्द से आपको आराम दिलाता है। जी हाँ, काले जीरे का सेवन सिर और माथे पर लगाने से माइग्रेन जैसे दर्द में लाभ होता है। गर्म पानी में काले जीरे के तेल की कुछ एक बूंदे डाल करके कुल्ला कीजिए, इससे दांत दर्द में काफी आराम मिलता है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक का कार्य भी करता है। जी हाँ, काले जीरे के पाउडर का लेप लगाने से हर तरह के घाव, फोड़े, फुंसियाँ आसानी से भर जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण यह संक्रमण फैलने से रोक देता है। अब एक बात यह है कि किसी भी समस्या में आपको इसका जो सेवन है वो किसी विशेषज्ञ के सलाह से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ सावधानी पहले बता देते हैं, फिर आपको मात्रा बताएंगे। ये तासीर में गर्म होने के कारण काले जीरे का इस्तेमाल एक दिन में 3 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 3 ग्राम की मात्रा आप एक दिन में उपयोग कीजिएगा, इसीलिए वीडियो को हम अंत तक देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप जाकर के तुरंत उपयोग करेंगे आपको फायदा नहीं होगा। ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। 3 ग्राम से कम मात्रा एक दिन में सेवन, यानी कि 1 से 2 ग्राम की मात्रा आपको सेवन करना है। इससे ज्यादा करेंगे आपको नुकसान होगा, खास करके वो लोग जिन्हें ज्यादा गर्मी लगती है या हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और 5 साल तक के बच्चों के मामले में इस बात का खास ख्याल रखिए कि 1 ग्राम से मात्रा किसी भी हाल में ज्यादा ना हो। बच्चे को तो 1 ग्राम
ग्राम से ज्यादा बिल्कुल किसी भी हाल में मत दीजिए। बड़े हैं तो थोड़ा 2 ग्राम चल सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ की सलाह से ही लेना चाहिए क्योंकि ये काफी गर्म औषधि है। अगर आप काले जीरे के चूर्ण का सेवन कर रहे हैं तो जरूरी है कि इसे हल्के गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लीजिए, यानी कि भोजन के 2 घंटे बाद ही इसका सेवन कीजिए और इसके बाद कोई भी खाद्य पदार्थ मत खाइए। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। तो आपके लिए बेस्ट औषधि है। औषधियों को जानना बहुत जरूरी है। लोग जानते हैं कि काला जीरा फायदेमंद है लेकिन उपयोग करके लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसके सही गुणों से सही तरीके से वाकिफ नहीं हो पाते हैं और इसीलिए फायदे की जगह उनको नुकसान हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये पूर्णतः वीडियो समझ में आ गई होगी। तो ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ ताकि उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके। मुझे खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।